बंद शर्मिला होगा नथ में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है दिवाली, तो आप सबको पहले तो हैप्पी दिवाली और आप सबकी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और हाँ, तो आज ना मैं दिवाली का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, आपको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दिवाली के ब्लॉग में। और सुबह से ना मुझे इतना सारा काम था तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया स्टार्टिंग करने में ब्लॉग की, तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अभी मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगी क्या क्या हो रहा है। तो सभी सुबह से ना इतना ज़्यादा काम हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि दिवाली वाली कुछ भी होते तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो अभी ना बहुत सारा काम है तो काम करना है और साथ ही साथ ब्लॉग भी बनाने क्योंकि आपको दिखाना भी है और काम तो करना ही करना है। तो यह चलो काम तो करते रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो आप कुछ बोलना चाहोगे मेरे गाइस को? हाँ, हैप्पी दिवाली आप लोगों को, सभी को। तो आप मम्मी की साइड से आप सबको हैप्पी दिवाली है। तो चलो अभी देखते हैं आगे हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं, तो जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो चलो अभी ना मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है खीर, टेस्टी टेस्टी, और खीर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मम्मी खीर बना रही थी। और खीर अब आज इसलिए थोड़ी ज़्यादा बन रही थी क्योंकि आज बहुत सारे लोग आने वाले थे, तो इसीलिए मम्मी ने थोड़ी एक्स्ट्रा खीर बनाई। बेकार है, हाँ गंदा, बोलो बेकार है, बेकार है। और तेज बोलो, बोलो चाचू का फोन एकदम बेकार है, चाचू का फोन एकदम बेकार है। अब ये चाचू को दिखाएंगे। अच्छा तुम क्या खाते हो, ये बताओ क्या खाते हो तुम, सबसे ज्यादा क्या खाते हो? बिस्किट और चाय। और लड्डू कौन खाता है? मन तो कर रहा कि आपकी पजामी को ही खाया पूरा। दीदी दीदी देखो गुस्से में दीदी। तो तन्ना दीदी यहाँ पे हमारी रंगोली बना रही है। ये वो बन रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पता है? दीदी को धूप लग रही है, दीदी को धूप रख ली है। क्या क्या क्या, हाँ आओ 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 मटक क्या, आओ मटक क्या। तो दीदी ने पूरी रंगोली बना दी है, अब इसमें मेरा काम सबसे ज़्यादा है क्योंकि मुझे इसमें रंग करना है और मुझे ना रंगोली में कलर करना है या किसी भी चीज़ में कलर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दीदी को कलर उतना ज़्यादा करना पसंद नहीं है, केवल उसको बनाना पसंद है, पर वो थोड़ा बहुत कलर कर लेती है, पर मुझे मतलब बनाना नहीं आता है, पर मुझे ऐसा है कलर करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कलर काफ़ी अच्छा करती हूँ, तो इसलिए मुझे कलर करना पसंद है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम लोगों ने पता है जब फ़ोन में ये रंगोली देखी थी एक्चुअली, तो ये बहुत सही थी, मतलब छोटा साइज़ भी इसका सही था और ये बहुत सुंदर थी, पर जब हम लोगों ने इसको रियल में बनाया है सुंदर बुंदर तो सब बनी, बट इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि इसको बनाते बनाते इसको कलर करते करते हम लोगों की हालत ख़राब हो गई, हम लोगों की बैंड बच गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जब मैं आपको ये पूरा दिखाऊँगी तब आप देखना कि कितनी बड़ी बनी है ये। 2000 years later. So guys, अभी ना मैंने और दीदी ने रंगोली बना दी है और हमारी पूरी रंगोली बन चुकी है, तो अभी ना मैं आपको दिखाऊंगी।
तो अभी हम लोग रेडी हो चुके, हाफ हाफ रेडी हो चुके, और अभी हाफ हाफ रेडी होना बचा है, तो चलो पूरे से रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद मिलती है। तो अभी ना मैं आपको रंगोली भी दिखाऊंगी और दिखाते हैं दीदी क्या कर रही है। तो दीदी क्योंकि हम लोगों को पता है, हम दीदी को भूख लगी है, मुझे भी लगी है, क्योंकि हम लोगों ने रंगोली बनाना चालू किया था एक बजे से चालू किया था कि कम से कम हम लोगों को 3 से 4 घंटे लग गए रंगोली बनाते बनाते। पूरा कमर और बैक सब दर्द हो गई है और काफ़ी बड़ी रंगोली बनाई है, तो हाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो चलो अभी ना मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम। तो गाइस अभी भी डेकोरेशन चल रही है, बहुत सारा काम है, तो चलो ये सब समेट लेते हैं और काम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और अभी बहुत सारा काम बचा है। तो हमारी कैंडी भी रेडी हो चुकी है दिवाली के लिए। इसकी आज पहली दिवाली है, फर्स्ट दिवाली। न्यू कपड़े पहने हैं और कैंडी ने न्यू कपड़े पहने, बहुत इतने आराम से तैयार हो रही है, उसको लग रहा है कि ये लोग कहीं हमको घुमाने ले जा रहे हैं। कैंडू इधर देखो ये बात। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी और सिंपल सी, पोनीटेल चोटी और कुर्ती एंड जींस। तो अभी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और अभी मम्मी और दीदी भी रेडी हो रहे हैं, तो चलो सब लोग रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी भी सब कुछ हो चुकी है, डेकोरेशन भी हो चुकी है, दिया ये सब लगाती है। अब जब पूजा करने का टाइम हो जाएगा तब हम लोग पूजा करेंगे और फिर मैं आपको पूजा भी दिखाऊंगी। तो या तो एक साइड पूजा की तैयारी चल रही थी और एक साइड कैंडी सो रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो वो सो चुकी है और हम लोग यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो उसको सोने देते हैं और हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। दीदी का मेकअप कर रही हूँ और उस मेकअप करने के बाद हम लोग खींचेंगे फ़ोटो, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है फ़ोटो खींचना। तो अभी ना मेकअप कर देते हैं दीदी का जल्दी से, उसके बाद फ़ोटो खींचते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस अभी ना मम्मी ने मैं पटाखे फोड़ने जा रही थी और मम्मी ने मुझे एक काम दे दिया। मम्मी ने बोला कि ये जितने भी दिए हैं तो सब में पाती लगाओ और अच्छे से ऑयल डालो। तो मैं यहाँ पे अपनी माता श्री का काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक एक दिए में ऑयल डाल रही हूँ और पाती लगा रही हूँ और ये काम
रातो रातो तारा कोई चांदी अस तारा कोई गिर तो उठा लेना ओ सुनियो रे तारा चमकीला होगा चांद शर्मीला होगा नथ में लगा लेना जरा दीदी जल ही नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे।